टोटल फाइव बटन्स वही है जो बोल दिया आपने। कौन से तारीख का आप खरीदी कर रहे हो, फ्रंट डेट बैक डेट दोनों खरीदी के बिल सब डेट मार सकते हो। क्या बिल नंबर आ रहा है आपको, सप्लायर कौन है, सप्लायर का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नया होगा तो यहाँ पे क्लिक करके उसका यहाँ पे बना सकते हो, एबीसी आगे सेव कर दिया यहाँ पे एबीसी का नाम आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ओके, ये कैश में ले रहे हो तो कैश खाते में चला जाएगा, क्रेडिट में ले रहे हो तो क्रेडिट खाते में आ जाएगा। कैश कर दिया मैंने, तो आइटम क्या है, समझो कीबोर्ड है, उसका मैन्युफैक्चर क्या हो गया, उसका जो सीरियल नंबर होगा बैच नंबर वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो हिसाब से आप उसका स्टॉक वगैरह निकाल पाओगे। कितने स्टॉक में है आपके पास में, अभी परचेस कितना ले रहे हो, जो 10 लिया आपने, क्या रेट से लिया है, 450 जो हमने मटेरियल मास्टर में डाला था। यहाँ पे आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 475 डाल सकते हैं। कुछ कैश डिस्काउंट वगैरह मिलता है तो कैश डिस्काउंट कर सकते हो, तो ब्लैंक छोड़ दो, उसका जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा वो और यहाँ पे दिखा देगा। एक कीबोर्ड की कॉस्टिंग हो जाएगी 560। ओके, यहाँ पे कुछ हमारी ट्रांसपोर्ट आपको ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो आप। सेव कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट।